हाय रब्बा, कैसा लग रहा है? ऐसा लग, सब्जी भाजी की दुकान लगा के बैठी हूँ मैं। भाजी ले लो, भाजी ये ले लो। ऐसी वो ड्रेस भी वैसी पहनी हो, मच्छी वच्छी वाली नहीं लग रहा। लिपस्टिक गई। हाय हाय, आ गया। ठीक है, साइलेंट कर दूं मुझे। हाँ नथिंग, रिजवान जी को चेक देना, अभी आ रहे हैं, उनका बंदा आएगा। तुम वो टीडीएस से पूछ के बात कर लो, सीए को पूछ लो कि इतना इतने पसंद था। हाँ जी, ये ठीक है। कितना आ रहा है, मतलब मिड शॉट कितना ले रहे हो आप? मेरा टाइट क्लोज ले रहे हो, इतना टाइट क्लोज फोन दिख रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ऐसे दिख रहा है। नहीं, मेरी साइड होती है, मेरा साइड एंगल ऐसे अच्छा था। अभी ठीक है, ये लो बेटा। हाँ, इसका 40%। तो मैम, आप बिग बॉस के घर के हिस्सा रही हो, और किस तरह की जर्नी रही आपकी? काफ़ी छोटी जर्नी थी लेकिन बहुत ही अच्छी जर्नी थी, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया। आने के बाद मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिला है, जो कि मैं जैसे सदमे में आई थी निकल की, सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हुआ। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस के लिए कि एटलीस्ट उनका नज़रिया कुछ बदला। भले ही कम दिन थे मेरे उस घर पर, बट नज़रिया लोगों का बदला। साथी बिग बॉस के घर में कभी भी कोई भी आता है तो हमेशा किचन को लेके ही लड़ाई शुरू होती है, तो मैं जानना चाहूँगा आपका किससे नोकझोंक हुआ, आप कुछ बताना चाहेंगे? किचन को लेके तो कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई, उल्टा सब मुझे किचन में देखना पसंद करते थे, क्योंकि मुझे खाना बनाना वाकई में अच्छा लगता है। और मैं बहुत फास्ट कुक हूँ, मैं हाफ एन आवर के अंदर सारा खाना बना लेती हूँ, मैक्स टू मैक्स एक घंटे के अंदर। सो सब लोग खुश थे खाने के लिए, तो खाना खिलाना ही मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वैसे भी सब आपका काम है खाना खिलाना। सो वैसा सोच के ही गई थी, क्योंकि मुझे ये जोन तो मुझे अच्छा ही लगता है, तो मैंने वो उसको अच्छे से किया। साथी पूजा भट्ट के साथ जो नोकझोंक हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल में आप बताना चाहोगे? पूजा जी के साथ मेरा पर्सनली कोई ऐसा नहीं है उनके साथ में कोई पंगा, मैं उनकी रिस्पेक्ट आज भी करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, बट उनका एक ही था, उन्होंने गलत चीज़ों का बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से लोगों के पर्सनल लाइफ पे अटैक हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ही जलील करने की कोशिश की जा रही थी उस घर पे। सो मैंने हमेशा उनको बोला कि आप गलत चीज़ का बहुत साथ दे रहे हैं मैम, और इस वक्त मैं आपको नॉमिनेट करती हूँ। और जैसे ही मैंने उनका नाम लिया तो उन्होंने चीखने लगी कि आप विक्टिम कार्ड खेलते हो, ये है वो है। सो वो सारी चीज़ें हुई है। उसके बाद मैंने बोला कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हूँ, आप खुद खेल रहे हो, क्योंकि आप पूजा भट्ट होके भी आप महेश भट्ट का नाम ले रहे हो कि मैं उनकी बेटी हूँ। सो विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हो, नॉट मी। सो और यही सारी चीज़ें हुई, छोटी छोटी चीज़ें। और एक तरफ उनका कहना था कि वो मुझे समझ नहीं पाई, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें, उनका कहना कि ये शांत रहती है, ज़्यादा बोलती नहीं, इसके अंदर कुछ है, इसका सेकेंड पार्ट है मेरे अंदर गुस्सा है। प्यार जो देख रहे हो आप वही है, सेकेंड है गुस्सा, इसके अलावा आदमी और क्या करेगा? गुस्सा मुझे भी आएगा, पर वाजिब बात पे आएगा, ऐसा नहीं कि बेवजह मैं उंगली करती रहूँ किसी को। सो वैसी मेरी परवरिश तो हुई नहीं है। सो जब मुझे लगता और टाइम होता तो मैं आगे वो भी दिखाती, बट कम वक्त पे जितना दिखा सकी, जितनी ज़रूरत लगी मुझे, मैंने उतना ही किया। साथी सलमान खान सर की बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक रहते हो घर में, उनका बिहेवियर आपको कैसा लगा? उनका बिहेवियर सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सलमान जी ने जिस तरीके से बात किया पर्टिकुलर मुझे टारगेट करके, ये बात सब पे लागू की जाती है। तो आई थिंक स्पेशली मैं ही उस घर पे ऐसी नहीं थी कि पर्सनल बात किया, तो सलमान जी ने जो बोला कि आप पकड़ पकड़ के बोल रहे हो, तो ये पहला वक्त वर्ड ही उनका रॉन्ग वर्ड था। मैंने कभी किसी को पकड़ के नहीं बोला है, जो ऑडियंस भी देख रही है और ऑडियंस भी निकली है, बात करी है कि उन्होंने कभी नहीं बोला। मुझसे अभिषेक ने पूछा कि दीदी मुझे जानना आपके बारे में, तो मैंने उसको 5 से 6 मिनट में अपनी बात ख़त्म किया। उस 10-11 दिन में मैंने किसी से अपनी पर्सनल बात नहीं किया, 1 या 2 बार ही किया होगा, और वो भी पकड़ के मैंने किसी को नहीं बताया। तो एक तो वो बुरा लगा, दूसरा ये बात सब पे लागू होती है, तो स्पेशली उन्होंने मुझे टारगेट किया। सो
मेरे दिमाग में यही था कि ऑफकोर्स एक स्टार स्टार का साथ दे रहे हैं वहाँ पर, मेरी कोई इतनी बड़ी कोई औकात है नहीं कि मेरा कोई साथ देगा वहाँ पर। सो उस चीज़ को तो मैं ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकती क्योंकि आप उस घर से आ गई हूँ मैं। तो साथ ही नवाज सर का मूवी फिल्म भी आई है, क्या आप देखने जाने वाले? देखने जाने वाली नहीं हूँ, मतलब वो तो घर पर ही है ना, अमेजोन पे है, तो वो तो बैठ के देखूँगी जाके, पर अब दुबई जाऊँगी तो 100% देखूँगी घर पर बैठ के। हाँ हाँ, बच्चों को लेके बात हो रही है, अभी भी मेरी सुबह बात हुई है, काम को लेके, बच्चों को लेके जो भी बात होती है हमारी, बात तो कभी नहीं बंद होगी ना, क्योंकि जब तक बच्चे हमारे बीच में, बात कभी नहीं बंद हो सकती है। वो खुद भी जा रहे हैं बच्चे लेके बाहर। बच्चे को कौन पसंद है, पापा या मम्मी? बच्चों को तो दोनों पसंद है यार। बच्चे क्या कहते हैं? नहीं यार, बच्चे इतने इतने मतलब ही होते हैं, जब माँ के साथ होंगे तो माँ को प्यार करेंगे, बाप के साथ होंगे तो बाप को प्यार करेंगे। उनका प्यार इतना प्योर प्यार होता है कि वो जिसके जो दिखते पहले ना, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो बच्चों के अंदर वो वाला दिमाग नहीं होता, यू नो, कि नहीं हम तो दोनों से प्यार करते हैं। बच्चा जिस तरफ जो देखता है वो उसी पे ज़्यादा झुकता है। बच्चे कई बच्चे माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं, और लेकिन नवाज सर, एक वीडियो वायरल हुआ था हाल ही में कि नवाज सर दोनों बच्चों को काफ़ी केयर करते थे, स्कूल ले जाते थे। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी दिन दुबई में रहे, वो लाना ले जाना वो खुद करते थे बच्चों का, नो डाउट। और मुझे बहुत मज़ा आया ये, और मैंने उनको थैंक यू भी बोला इस बात के लिए कि थैंक गॉड, चलो आप काफ़ी वक्त के बाद आप ये चीज़ समझ पाए, आई एम हैप्पी। और ऐसा नहीं है कि वो बुरे फादर, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ, टाइम नहीं दिया उन्होंने कभी लाइफ में जो दे रहे हैं अभी, बस मुझे वही चाहिए था उनसे हमेशा से। सो अच्छा लगा मुझे देख के, मैंने खुद देखा इंस्टा में कल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। या साथी बात करें, बिग बॉस के घर में आप रह के आए, कितना बदलाव आप देखने को मिले और क्या कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है घर, बिग बॉस के घर में जाकर। देखो, बिग बॉस के घर में मैंने ये चीज़ एक चीज़ सीखा कि जैसे हम ज़िंदगी में, हम लोग जैसे रहते हैं नॉर्मल लाइफ में रहते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक एनर्जी चल रही है, यूनिवर्स की एनर्जी, जो पावर जिसको हम बोलते हैं, तो परमात्मा हमको कोई ना कोई तकलीफ़ें देता है जीवन में, तो हम उस चीज़ को हम ले लेते, अरे यार हमारे, हमने क्या तकलीफ़ थी, मतलब हमने ऐसा क्या बुरा किया जो हमें तकलीफ़ें मिली। पर परमात्मा हमसे, मुझे ऐसा लगता कि कुछ ना कुछ चाहते कि आप आसपास देखो, आपके कुछ बुरे लोग हैं जो आपके अपने हैं, जो अच्छे लोग हैं जो आपके अच्छे हो के भी नहीं होते। सो हमें वो जानने मौका मिलता जब हमारे पास बुरा वक्त आता है, तो वही बिग बॉस भी वही सेम चीज़ है, वो टास्क देते हैं आपको, सिचुएशन बुरी डालते हैं, तो लोग आप साथ में रह रहे हो, खा रहे हो, और उस वक्त आपको पता चलता है एक आदमी के लिए पूरा कि उस वक्त हमें पता चलता कि एक आदमी आपके बीच में इतना बुरा इंसान भी है। सो उस बुरा बोलना है आपको तो बहुत बड़ी बात है, उस बुरे आदमी के साथ आपको 24 आवर्स रहना पड़ जाता है। सो वो बड़ा चैलेंज होता है, मतलब एक जगह पे रह के फिर एक आदमी के बारे में जानना, उसके बारे में, फिर उसके बारे में बुरा बोलना या अच्छा बोलना, फिर उसकी फितरत निकल के आती है, वो इंसान का असली रूप निकल के आता है। उस घर में एक ये अच्छी चीज़ है कि आदमी को बहुत जल्दी आप परख लेते हैं, एक दो दिन के बाद ही आपको उसकी असलियत पता चल जाती है। पर ये सच ट्रू है, उसमें कोई ड्रामे नहीं करते, वो लड़ाई झगड़ा सब सच है। साथी, आगे क्या कुछ प्लान है आपका, रियलिटी शो, दूसरे रियलिटी शो में जाना चाहोगे या कोई फिल्म वगैरह करना चाहोगे आप? देखिए, मैं तो सब चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है। मैंने पहले भी बताया कि आप ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ ये इस एज में, मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, हालाँकि 40 की एज हो चुकी है, और अब मुझे इस ज़िंदगी की शुरुआत में शुरू कर रही हूँ, और अब जो भी काम मिलेगा उसको सर आँखों पर रख के आगे बढ़ना है। साथ के साथ डायरेक्शन तो कर ही रही हूँ मैं, प्रोड्यूसर भी, एक फिल्म प्रोड्यूस कर चुकी हूँ, सेकंड फिल्म कर रही हूँ तिजन भाई, और बाकी एक्टिंग में तो काम करना ही है। साथी, लास्टली एक क्वेश्चन है, मैं अभी देखा आपने इंटरव्यू में कहा कि इटली में कोई इंजीनियर मिल गया है आपको, उनसे क्या शादी आप करने वाले हो? नहीं नहीं, शादी वादी का कोई प्लान नहीं है मेरा, सेकंड फादर मुझे अपने बच्चों को नहीं देना है, वो मैं पहले दिन से क्लियर हूँ। ऑफकोर्स एक औरत की नीड होती है, एक ज़रूरत होती है, एक प्यार होता है, उसकी भूखी हूँ मैं, और वो चाहिए आपको, हर औरत को चाहिए, कोई मैं अकेली औरत नहीं है दुनिया में, हर औरत को एक ज़रूरत होती है लाइफ में जीने के लिए। सो मुझे भी वो सहारा चाहिए, और हाँ, मुझे प्यार मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं लूँ, और बड़ी ईमानदारी से प्यार मिल रहा है तो वेलकम किया मैंने उस प्यार को, और हाँ वो अच्छे इंसान है, इंटेलिजेंट आदमी है और खूबसूरत आदमी है। थैंक यू।